फाइनली जामिया ने अपना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या DLED या जिसे आप BTC कहते हैं उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला एक कोर्स है और हम आपको A to Z सारी बारीकियों से इसकी फैमिलियर करा देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं लिस्ट, उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए और क्या डेट्स वगैरह हैं और नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी, यानी कि वेट लिस्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो कब आने वाली है, सब बातें करेंगे हम। पहले हम देखते हैं लिस्ट और यहाँ पे दो लिस्ट होंगी, देखिए अलग अलग होंगी। सबसे पहले जो है वो आपका यहाँ पे दी हुई है उर्दू मीडियम की, और उर्दू मीडियम में अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो उर्दू मीडियम में यहाँ पे जो पहली कट ऑफ ये दिखा रहा है वो उर्दू मीडियम के सब्जेक्ट भी उर्दू है उसका, ठीक है। ऐसे उर्दू मीडियम में और कोई सब्जेक्ट हो सकता है तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी देख लीजिए और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो भी आप देख लीजिए। तो टोटल कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं वो हम बात करेंगे और किस किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो लिस्ट है वो जनरल कैटेगरी की लिस्ट है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है उर्दू और यहाँ पे जनरल कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स लिए गए, 5, उसके बाद 3 कैंडिडेट लिए गए हैं मुस्लिम माइनॉरिटी में, देन उसके बाद 1 कैंडिडेट लिया गया है मुस्लिम OBC ST में, उसके बाद मुस्लिम वुमेन 1 कैंडिडेट एंड देन जामिया इंटरनल 1 कैंडिडेट। तो इस ढंग से पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उर्दू मीडियम का। दूसरा सब्जेक्ट है उर्दू मीडियम का, यहाँ पे इंग्लिश कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ दी हुई है। अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, हम लोगों के लिए ज़रूर मायने रख रही है जो अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन ये कट ऑफ आगे आने वाले जो कैंडिडेट्स इन वेटिंग हैं उनके लिए नहीं है। कैंडिडेट्स इन द वेटिंग मतलब को आगे गोइंग फॉरवर्ड जो एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट ईयर 2020 ऑनवर्ड उनके लिए ये फर्स्ट कट ऑफ उतनी मैटर नहीं करती। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। 3 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं जनरल में, उसके बाद 2 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं आपका मुस्लिम माइनॉरिटी में, और इसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं बुलाया गया इस कैटेगरी इस सब्जेक्ट में। उसके बाद बारी आई है ये सोशल साइंस की, सोशल साइंस में उर्दू मीडियम की भी ही हम अभी बात कर रहे हैं। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ, और लिस्ट देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया है किस कैटेगरी में। ये है जनरल कैटेगरी, इसमें 6 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। ये है आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी, 5 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, और यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं OBC में, उसके बाद 2 है मुस्लिम वुमेन में। इस ढंग से ये सब्जेक्ट ये जामिया का भी सॉरी जामिया इंटरनल का भी 1 कैंडिडेट यहाँ पे है। तो ये सब्जेक्ट इस तरह से कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है साइंस मीडियम उर्दू। तो यहाँ पे पहले आप कट ऑफ पे एक नज़र मारें, ये है आपकी कट ऑफ और ये है आपका लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो जनरल कैटेगरी में 3-4 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, उसके बाद 2 लिए गए हैं आपके मुस्लिम माइनॉरिटी में, देन उसके बाद 1 है एस टी या OBC में, उसके बाद मुस्लिम वुमेन में 1, और ये सब्जेक्ट भी कम्प्लीट। अब आ रही आती है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में आप कट ऑफ देखिए, और उसके बाद ये देखिए आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी के 2 कैंडिडेट्स, उसके बाद 1 कैंडिडेट आपका ST या OBC में, 2 सॉरी मुस्लिम वुमेन में भी 1 कैंडिडेट, और PWD में यहाँ 2 कैंडिडेट्स को जगह दी गई है, और 1 जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में कैंडिडेट लिया गया है। तो ये थी आपकी उर्दू मीडियम की लिस्ट यहाँ 3 पेज की। अब हम चलते हैं हिंदी मीडियम वाली लिस्ट पे। ये देखिए जनरल कैटेगरी वाली सॉरी जनरल ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मे भी ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन तो यहाँ सेम रही होंगी, डेट एक बार देख लेना आप, हो सकता है डेट्स आपकी चेंज की हों काउंसलिंग के लिए, तो इसको आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर 18/7 से 23/7 बताई गई है, इसको आप नोट करके रखिए। और नेक्स्ट जो लिस्ट आने वाली है वो कब की है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है आपकी 27/7 को, तो इन दोनों डेट्स को आप नोट करके रखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, बाकी हम उर्दू मीडियम वालों को थोड़ी देर बाद बता देंगे वीडियो के एंड तक। तो चलिए देख लेते हैं, पहले ये कट ऑफ है, होल्ड ऑन, उर्दू मीडियम की खुल गई जस्ट मोमेंट।
तो ये उर्दू मीडियम का है, आप हिंदी मीडियम वाले अभी थोड़ी सा वेट करिए, मदद देश खुल गई है। तो ये है आपकी हिंदी मीडियम की लिस्ट। सबसे पहले आप डेट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। देखिए 18 से 23 जुलाई है, और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट आएगी या सेकेंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होगी वो कब ये इशू करने जा रहे हैं, वो आपकी 27-7 यानी कि उर्दू हो चाहे हिंदी मीडियम दोनों की काउंसलिंग एक ही डेट में, और दोनों की नेक्स्ट लिस्ट भी एक ही दिन आने जा रही है 27 जुलाई को। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले कट ऑफ पे। हिंदी मीडियम में ये सब्जेक्ट आपका है हिंदी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ हिंदी की। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट देख लेते हैं। ये आपकी हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, और आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट दी हुई है। तो जनरल कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं 5, उसके बाद हिंदी मीडियम में जो आपका मुस्लिम माइनॉरिटी बुलाए गए हैं 3, उसके बाद एक बुलाया गया मुस्लिम ST या OBC, उसके बाद एक बुलाया गया मुस्लिम वुमेन बुलाई गई है। उसके बाद अब जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आया है इंग्लिश, यहाँ पे कट ऑफ देखिए आप। यहाँ पे देखिए 3 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं जनरल से, 2 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं मुस्लिम माइनॉरिटी से। अब अगला सब्जेक्ट आया आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में देखिए जनरल की कैटेगरी कट ऑफ कितनी रही है, और आप अपनी अपनी अपने अकॉर्डिंग देख लेना, हम इस बहस में नहीं जाएंगे। और उसके बाद लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, सब्जेक्ट इज सोशल साइंस, तो 7 बुलाए गए हैं जनरल में, उसके बाद 5 बुलाए गए हैं MM में, उसके बाद 1 बुलाया गया ST या OBC में, उसके बाद 1 बुलाया गया है मुस्लिम वुमेन में। ठीक है, उसके बाद 1 बचता है जो जामिया इंटरनल को दे दिया गया है। अब ये कट ऑफ है आपकी साइंस की, सोशल साइंस इससे पहले था, अब साइंस की बारी आ गई। साइंस में कट ऑफ रही है ये, और अब बारी आती है जनरल कैंडिडेट्स की। ये 3 कैंडिडेट्स हैं जो जनरल साइंस सब्जेक्ट में आए हैं, उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी में भी 3 आए हैं, उसके बाद आया है 1 मुस्लिम OBC में, उसके बाद 1 आया है आपका मुस्लिम वुमेन में, और उसके बाद 1 आया जामिया इंटरनल में। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका आया मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे देखिए 3 कैंडिडेट्स बुलाए गए जनरल में, 2 बुलाए गए हैं यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में, 1 मुस्लिम OBC ST, 1 मुस्लिम वुमेन, 1 इंटरनल, और अब जो है 1 PWD को दी गई है यहाँ पे ब्लाइंड कैटेगरी में, और दूसरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में। उसके बाद हिंदी मीडियम में सोशल साइंस में PWD को एक हीमोफीलिया कैटेगरी के तहत भी सीट दी गई है, और एक सीट यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट को दी गई है। मीडियम यहाँ पे है हिंदी, लेकिन सब मीडियम यस हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश। तो ये थे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब हम चलते हैं वापस और आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने क्या कैरी करने होंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। डेट्स हमने इंग्लिश मीडियम तो यहाँ चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे उर्दू मीडियम हो। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें 3 डॉटेड डॉट 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 दिए हुए हैं, ये 3 डॉट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तीनों डॉट्स पे। वो आप देख लीजिए, पहला कहता है कि एडमिशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं 12th क्लास में वो पूरे होने चाहिए। ये ना हो कि किसी के 40% हो तो वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जितने भी मांगे थे प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आप देख लेना, आपने फॉर्म भरते टाइम भी प्रॉमिस किया होगा कि मैं एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करूँगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके डिक्लेरेशन साइन करते हैं। एनीवेज, दूसरा जो यहाँ डॉट पॉइंट है उसका देखिए, उसमें क्या कहता है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर टू बी कम्प्लीटेड बाई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। सेलेक्टेड कैंडिडेट एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा ऑन 18-7 से 23-7 के बीच, तो फटाफट 18 को ही अगर हो सके तो पहुँचेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है तो आप अगले नेक्स्ट 3-4 डेज में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी प्रायोरिटी होती है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे कहता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड
फोटोकॉपी यानी डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करेंगे उसके साथ एक सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी भी सबमिट करेंगे। अब नंबर वन पॉइंट वाइज देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। पॉइंट नंबर वन पे कहता है ये कि आपने सबमिट करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और उस एप्लीकेशन का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट डाउनलोड करके जो कि आपने ऑनलाइन भरा था। इसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ मेंशन नहीं है बट फिर भी आप 400 फोटोग्राफ लेकर आ जाना, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर आकर के दौड़ना पड़ेगा। हालांकि बन तो जाएगा जामिया के आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर भी अगर हो सके तो अपना बनवा करके लाइएगा। अगला पॉइंट देखिए पॉइंट नंबर दो क्या कहता है। पॉइंट नंबर दो कह रहा है कि प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपके लिए ट्वेल्थ होता है तो ट्वेल्थ का आपने मार्कशीट देनी होगी, ओरिजिनल लानी है और ये उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा के लानी है ताकि उसको साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके यूनिवर्सिटी के पास जमा किया जा सके। थर्ड पॉइंट देखिए प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एज में क्या आएगा, ये 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो आपने सबमिट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस आपने देना होगा, जिन्हें चार डॉक्यूमेंट वोटर आईडी आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से एक आपको देना होगा और इस पर जो एड्रेस मेंशनड है इंश्योर कर लेना कि वो एड्रेस ही आपका सेम मेंशन हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। क्लियर, तो पॉइंट नंबर फोर आपको क्लियर हो गया। देन पॉइंट नंबर फाइव पर हम चलते हैं। पॉइंट नंबर फाइव कहता है कि मुस्लिम ओबीसी एसटी अगर आपने क्लेम किया है रिजर्वेशन तो फिर आपने उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा जो कि कंसर्न अथॉरिटी वहाँ पर इशू करती है, एसडीएम या तहसीलदार टाइप का कोई ऑफिसर। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर सिक्स फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन पीडब्ल्यू कैटेगरी, अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट ऐसा ही देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर सेवन, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट, अगर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में हैं तब आपने क्या डॉक्यूमेंट देना है। एक कमिश्नर होता है वहाँ पे, डिविजनल कमिश्नर कहलाता है, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, वो आपने देना होगा। एंड पॉइंट नंबर एट क्या कहता है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल कैटेगरी, अगर जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल हैं तब आपने एक वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा। पॉइंट नंबर नाइन कहता है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टूड लास्ट अटेंडेड, तो जो भी बच्चे रेगुलर रहे हैं ट्वेल्थ तक वो अपना ट्वेल्थ के जो स्कूल जहाँ पे आप उन्होंने ट्वेल्थ किया वहाँ से ला सकते हैं, उसका प्रिंसिपल आपको ये डॉक्यूमेंट इशू कर देगा। अदरवाइज़ जो बच्चे रेगुलर किसी रीज़न नहीं पढ़े हैं, कॉरस्पॉन्डेंस उन्होंने किया है तो हो सकता है उनको जो कॉरस्पॉन्डेंस किए हैं तो गाइडेड ऑफिसर का भी कई बार चल जाता है, बट आप एक बार यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेना। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स ज़रूर कंफर्म कर लें। पॉइंट नंबर टेन, कैंडिडेट्स फ्रॉम सॉरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर और हॉस्पिटल, उसमें आपको वो कंफर्म करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। देन पॉइंट नंबर 11, अगर आपके एजुकेशन कोई गैप रहा है तो उसके लिए आपने एफिडेविट देना होगा, एफिडेविट आप कहीं पे भी बनवा सकते हो, अदरवाइज़ जामिया कैंपस में मकतबा जहाँ पे इंडियन बैंक है आप नोट कर लीजिए, इंडियन बैंक के पास भी वो बना था, मे बी वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेता हो, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं किया हमने उससे, बट फिर भी कोशिश करना कि आप घर से ही बनवा करके लाएँ, वहाँ आपको पता है वहाँ रेट आपको उतना ज़्यादा नहीं लेगा वो। देन पॉइंट नंबर 12 देखिए, एफिडेविट फॉर नॉट इन जल्डिंग इन रैगिंग, इसके लिए भी आपको एक एफिडेविट देना होगा स्टैम्प पेपर लिखवा करके कि आप रैगिंग में किसी भी ढंग से इन्वॉल्व नहीं होंगे और होना भी मत, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपका करियर तो तबाह कर ही देगी, आपको पूरी ज़िंदगी जेल में भी चला सकती है, तो ये रैगिंग बहुत बुरी चीज़ है, किसी भी इनडायरेक्ट भी किसी को सपोर्ट मत करना रैगिंग के लिए। देन पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, इन केस ऑफ प्रोग्राम, ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है 13 नंबर पॉइंट। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन, जो आप फीस सबमिट करेंगे तो वो उसकी काउंटर फॉइल जो वो आप डिपार्टमेंट में जरूर जमा करेंगे एडमिशन के वक्त पे, ताकि कंफर्म हो सके डिपार्टमेंट को कि आपने एडमिशन ले लिया है, अदरवाइज वो आपकी सीट किसी और को दे देगा। देन 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 27th of 2019, 27 जुलाई को आपकी दूसरी लिस्ट आ जाएगी, इसे आप वेटिंग लिस्ट कह सकते हो, हालांकि वो भी लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ही होगी, तो उसमें जिन बच्चों का नाम आएगा उनका कन्फर्मेशन कन्फर्म एडमिशन हो जाएगा।
सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आपसे डिस्कस करनी थी। बहरहाल एक बार फिर भी आप जो है हर चीज़ को गौर से देखिएगा, क्योंकि कई बार हमें भी धोखा लग सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।